अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं बताने लगा हूँ या जिस कंपनी के बारे में मैं बताने लगा हूँ, इस कंपनी की प्रोडक्ट्स काफ़ी पहले भी हमारी शॉप पे परचेज़ हम करके लाते थे और सेल आउट करते थे, ठीक है। तो इसकी पहले इतनी रेंज नहीं थी, लेकिन अब इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रेंज अपनी कर ली हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कर ली हुई हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी की प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा। कॉसविन कंपनी है, ठीक है। पहले इसके फेस वॉश थे हमारी शॉप पे, हमने वो बहुत ज़्यादा सेल किए हैं, ठीक है। और अब भी इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दूसरी चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो दी है और काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने प्रोड्यूस करवाई हैं, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ वो है जी वाइटनिंग सीरम और विटामिन सी सीरम। जो आपके सामने ये इसकी पैकिंग है, पैकिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत इन्होंने बनाई है। ये इसकी वाइट सीरीज़ में है वाइटनिंग सीरम, ये इसका विटामिन सी सीरम है, ठीक है ना। ये इनकी गत्ते में पैकिंग है, उसके बाद ये इनकी वैसे पैकिंग है। बड़ी प्यारी और यूनिक डिज़ाइन की हैं बॉटल्स, मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। और इंशाल्लाह जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो आपको भी इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और देखने में भी चीज़ अच्छी बनी हुई है। वाइटनिंग सीरम है या कोई भी सीरम है, उसके लगाने का तरीका तो हर किसी को पता होता है, ठीक है ना। बाकी फिर भी मैं वीडियो के लास्ट पे थोड़ा सा बता दूंगा। पहले इनका मैं बता दूं कि ये किस पर्पज़ के लिए है। ये जो वाइट सीरीज़ का सीरम है ना, वाइटनिंग के लिए, ठीक है ना। ये जस्ट ब्राइटनिंग के लिए और एंटी एजिंग है, ठीक है ना। मतलब अगर कुछ हजरात की स्किन जो ढीली हो जाती है थोड़ी, उसको टाइट करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉसविन कंपनी का वाइट सीरीज़ में, जिसकी पैकिंग ये वाली है, ठीक है ना। और दूसरा आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी सीरम ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं जिनकी स्किन ज़रा डेड हो चुकी होती है, मतलब मुरझा चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब छाइयाँ वगैरह, झुरियाँ वगैरह, इस तरह के इशू होते हैं, ठीक है ना। जिनको विटामिन सी की कमी होती है और विटामिन सी की कमी की वजह से जो वजूहत होती हैं उसको रिकवर करने के लिए विटामिन सी सीरम होता है। ये विटामिन सी सीरम जो है, इसके साथ ब्राइटनिंग का इफेक्ट नहीं आएगा, ये मैं पहले बता दूँ। वाइटनिंग का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हालांकि मेंशन हुआ है कि वाइटनिंग के लिए भी है, लेकिन ये वाइट करता नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसके ऊपर मेंशन है। विटामिन सी का काम यही है कि इसने आपकी स्किन को रिपेयर करना है, ठीक है ना। जो कोई मसले मसाइल हैं, अगर आपके चेहरे पे दाने बनते हैं उनको रिकवर करेगा, दानों के निशानात रह जाते हैं उनको रिकवर करेगा, अगर आपके चेहरे पे छाइयां वगैरह है उसको भी रिकवर करेगा। उसके अलावा एंटी एजिंग है और हेलुरोनिक एसिड है इसमें ऐड, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है विटामिन सी का। अगर आप जस्ट वाइटनिंग के लिए कहते हैं तो आप ये वाला परचेज़ कर सकते हैं, वाइटनिंग और एंटी एजिंग है जो, और विटामिन सी ये जो मैंने आपको बता दिया कि डेड स्किन जिनकी हो जाती है वो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने का तरीका वही, रात को सोने से पहले अच्छी तरह चेहरा वॉश कर लें, और चेहरा वॉश करने के बाद अच्छी तरह खुशक करें, और उसके बाद इसकी बिल्कुल प्रॉपर सी मिकदार, बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं कि आप अपने स्किन को ऑयली कर लें, इतना नहीं लगाना, मतलब इतना सा लगाना है कि आपको अच्छे से इसको जज़ब कर सकें, ठीक है ना, सीरम को, कोई भी सीरम हो। कुछ लोग ज़्यादा लगा लेते हैं फिर वो स्किन आयली आयली सी हो जाती है। सुबह भी आप इसको नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर निकलने से पहले चेहरा वॉश करके तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन ज़्यादा रात को इसको करते हैं। किसी चीज़ में ऐड करेंगे तब भी इसका फ़ायदा, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे किसी भी सीरम को तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो लाजमी कॉसविन कंपनी का सीरम, अगर आप रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ जाते हैं, बाकी अगर बहुत अच्छे सीरम चाहते हैं तो उनके बारे में भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हुआ हूँ मुख्तलिफ कंपनियों के ऊपर, ठीक है ना। तो कॉसविन कंपनी का अगर रीज़नेबल प्राइस में अगर आप सीरम इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई, तो कॉसविन कंपनी को पिक करें, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, और इसकी सेल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है। क्योंकि हमारे पास जब कस्टमर आते हैं हम उनको देते हैं तो पता चल जाता है कि एक चीज़ वापस नहीं आई या उसकी कंप्लेन नहीं आई, इसका मतलब है उसमें थोड़ी सी जान हो गई है, जो भी है। इसकी और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट मैं उनके बारे में बताऊँगा। तो ये लाजमी इस्तेमाल करें।